इस तरह का उत्साह देखने को मिला। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी के आदेश थे, संगठन मंत्री जी के आदेश थे कि अपने अपने विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला करके उनका धन्यवाद करने का काम करें और उसी परिक्रिका को आगे बढ़ा करके आज बेरी हल्के की बहादुर जनता और कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था, मैंने जो मीटिंग बुलाई थी लेकिन बेरी हल्के की जनता ने रैली करने का काम किया। मैं बेरी हल्के की बहादुर जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज बेरी हल्के की बहादुर जनता एक प्रण लेकर के गई है कि संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में और मजबूत करने का काम करेंगे और 29 के अंदर विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें बेरी के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। आज सभी कार्यकर्ता बंधु ये कसम खा करके गए हैं कि एक एक कार्यकर्ता दिन रात भारतीय जनता पार्टी लिए काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को पूरे हरियाणा प्रदेश में और मजबूत करने का काम करेगा। 15 दिन का समय मिला था, अगर कुछ होता तो शायद चमत्कारिक रिजल्ट आते। देखिए जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को कमल का फूल दिया और अपना आशीर्वाद दिया और जब मैं बेरी में गया और मैंने माता रानी के चरणों में माथा टेका, जब लोग ये कहते थे कि संजय कबलाना ने बहुत गलत काम कर लिया, बादली से चुनाव लड़ना चाहिए था, बेरी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में भी बहुत गलत बातें लोग कह रहे थे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मैंने उनका सम्मान किया है और उन्होंने भी मेरे को छोटे भाई के नाते से हमेशा प्यार दिया है। वो जनता का फैसला है कि भी जनता ने क्या फैसला किया, लेकिन एक बार मैं जरूर कहूंगा बेरी हल्के की बहादुर जनता ने जो 15 दिन के अंदर अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, मैं तो अपने परिवार को भी कह करके जाऊंगा कि बेरी हल्के की बहादुर जनता का कभी एहसान मत भूल जाना। कभी भी बेरी हल्के का छोटा से छोटा कार्यकर्ता या बुजुर्ग से बुजुर्ग पिता समान हमारा को माता बहन आए तो उनका दिल से सम्मान करने का काम करना। मैं अपने परिवार से भी ये कह करके जरूर जाऊंगा, बेरी हल्के ने मेरी सोच से भी परे जा करके इतना आशीर्वाद दिया और बेरी हल्के ने सेकंड पोजीशन अपने बेटे और अपने भाई को देने का काम किया। मैं बेरी हल्के को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और हरियाणा प्रदेश में जो आज आदरणीय श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, कमल का फूल जो खिला है, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कार्यकर्ताओं के थ्रू आए, देखिए मैंने बता दिया कोई भी साथी आएगा, कोई भी साथी जवानी करेगा वो कार्यकर्ता से बात करके और कार्यकर्ता है उसको लेकर के आएगा, उसके बाद ही उसकी जवानी हो। और पार्टी है, सबका स्वागत है, कोई साथी भी आ सकता है, हमारे को किसी परहेज नहीं है, कोई भी साथी ज्वाइन कर सकता है, कोई साथी पार्टी में आ सकता है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका स्वागत करती है और करती रहेगी, जो भी साथी आएगा उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत। संजय कबलाना के रूप में कोई बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है? देखिए पार्टियां काम है, मैं तो इससे बड़ी जिम्मेवारी क्या मानता हूँ कि 15 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपको टिकट भी दे दिया, चुनाव भी लड़ा दिया, इतना सम्मान दे दिया और पार्टी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से सेकंड पोजीशन भी 15 दिन में आप लोगों की आई, तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा आशीर्वाद और क्या दे सकती है। और वो पार्टियां फैसला है, पार्टी किसको क्या दे, किसको क्या सम्मान दे, वो पार्टी का फैसला, पार्टी बड़ी।